आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। जो वो हॉस्टल में करे उस सिलसिले में एक जरूरी बात उठाना, ये तो खाली इनके भतीजे का नहीं, गरीब बच्चों के मजरे से रिफाउल मुस्लिम में हॉस्टल चल रही है। अब वो बच्चा को खाली रहने के वास्ते खाने पीने का बाहर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हजरात, मैसूर शहर मैसूर में मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के ताल्लुक से ये एक बात सामने आई हुई है कि मुस्लिम बच्चों के लिए जो हॉस्टल चल रही है सिर्फ उनको रहने के लिए दिया जा रहा है और बाहर के बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को, खरियों के आसपास के मुसलमान बच्चे जो यहां शहर मैसूर में तालीम हासिल करने आ रहे हैं उन्हें रिहायशी यानी रात गुजारने के लिए, उनके रहने सहने के लिए मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के मातहत उन्हें हॉस्टल के तौर पर रखा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोविड-19 जो बीमारी सारी दुनिया में जिसकी वबा फैली हुई थी जिससे सारी दुनिया मुतासिर हुई है, ऐसे वक्त में लोगों को खाने पीने की तकलीफ, चलने फिरने की तकलीफ, घरों से बाहर आने की तकलीफ थी। ऐसे मौके में बच्चों को, वहां के हॉस्टल के बच्चों को अपने अपने गांव भेज दिया गया। जब बच्चे हालात में सुधार आया तो बच्चे फिर वापस शहर मैसूर को आए, खरियों के बच्चे, तो उन्हें 8 महीने की फीस देकर आने के लिए कहा जा रहा है। मोहतरम हजरात, आप तमाम लोग जानते हैं कि नफसी का आलम था शहरों में, टाउन में, तो खरियों की क्या हालात थी, खरियों में मुसलमानों का क्या गुजारा हो सकता था, खाने पीने की तकलीफ थी उन लोगों को, ऐसे वक्त में उनका गुजारा ही मुश्किल था। तो उन बच्चों को जब वो हॉस्टल को वापस आए अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए, कॉलेजों को, स्कूलों को दाखिला लेकर जब हॉस्टल को आए तो उन्हें 8-8 महीनों का किराया देने के लिए कहा जा रहा है। जब हमने ये बात मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनाब अनवर पाशा उर्फ अन्नू भाई, जो हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, इनसे मैंने फोन पर बात की और बताया कि अन्नू साहब, लोगों को तकलीफ है, वो बच्चे पैसे कहां से देंगे जो खरियों से आ रहे हैं वो बच्चे। तो हमारे अन्नू साहब ने हमसे कहा, फोन पर इन्होंने ये बताया, स्टेट बोर्ड से एक ऑर्डर आया हुआ है जो 8 महीनों का किराया बच्चों के पास से ले और 80% ले, 20% जो है बैलेंस वो बाद में ले ले आने वाले महीनों में। जब हमने बोर्ड से मालूम किया, फोन पर हमारी बात हुई, तो उन्होंने बतलाया उन बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए नहीं, सिर्फ जो दुकानें ही वहां पर मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के इहाते में, उन दुकानदारों के लिए 80% अपने ले किराया, 20% जो है आने वाले महीनों में थोड़ा थोड़ा करके ले ले। जनाब अन्नू साहब से हमारी गुजारिश है, हम ये उनसे कहना चाहेंगे, आप रिफाउल मुस्लिमीन मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी बने हुए ही, जनाब अन्नू साहब आप पहले मालूमात हासिल कर ले उसके बाद कहें। आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। मैं आली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब से हमारी आजीजाना गुजारिश है और मजलिस रिफॉर्म मुस्लिमीन के तमाम
अराकीन से हमारी आजीजाना दरखास्त है कि आप फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं जनाब अल्हाज तंगीर सेठ साहब की हाजिरी में, और ये फौरन मालूम कराएं और उन बच्चों के वालिदैन को भी मालूम कराएं जो बहुत ही खस्ता हालात में उनकी जिंदगी चल रही है। ऐसे वक्त में हमें किस तरह से काम लेना चाहिए। मौजूद हाजरीन किराम, मोहतरम हजरात, आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी जायदादें किस लिए वक्त की है? मुसलमानों के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी रिहाइश के लिए और गरीब बच्चियों की शादी ब्याह के लिए काम आए। इसी ये तसव्वुर रखकर उन लोगों ने ये तमाम जायदादें जो है वक्त की, चाहे वो मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन में हो, चाहे वक्फ बोर्ड में हो, ये तमाम जायदादें जो है इन्होंने उन्होंने वक्फ की थी ताकि मुसलमानों के काम आए। मोहतरम हजरात, मैं हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब से आजीजाना दरखास्त करता हूं, अली जनाब अल्हाज तनवीर सेठ साहब से भी हमारी दरखास्त है और स्टेट वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनसे भी हमारी आजीजाना दरखास्त है कि आप फौरन एक ऑर्डर भेजें, एक सर्कुलर भेजें। सिर्फ मैसूर ही की बात नहीं, कर्नाटक स्टेट में जितने भी रिहायशी वक्फ बोर्ड में जो है हॉस्टल्स, उनके लिए कोविड-19 में जो मामला चला, जितनी तकलीफ हुई, इन तमाम बच्चों के लिए उनका 8 महीनों का किराया माफ कर दे और वो बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए उन्हें सहूलियात फराहम करे। बस इतना कहते हुए मैं हमारे अनु साहब से भी मैं दरखास्त करता हूं, आप जो भी कहे या आप हमसे ही नहीं किसी से भी कोई भी बात हो, 10 मरतबा सोचकर पहले मालूमात हासिल करके उनको जवाब दे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।